The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar, adab, sat sri akal, dosto, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education ek baar phir. Aapka swagat hai, dosto, aaj hum baat karenge genital private part itching ke baare mein. Agar aapke private part itching ho rahi hai aur aap bahut kona dhoondte hain, sumdi dhoondte hain ki hum kahin na kahin itching kar le, aapko embarrassment hota hai, doctor ke paas ja ke thak gaye hain, dawai kha ke thak gaye hain, pareshan ho gaye hain aur पगला गए हैं. आई मीन इतना भी नहीं तो थोड़ा बहुत भी है तो भी आपको जानना तो चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो तरसो ग्रोइंग इच, यानी कि वहाँ पे प्राइवेट पार्ट में इचिंग तो सबको होती है. तो जग जाहिर है ये बीमारी सबको होती है, सबको हो चुकी है, और एक उम्र के बाद नहीं होती क्योंकि अब आपको फिर अक्कल आ जाती है, पता चल जाता है, एजुकेट हो जाते हैं. तो हो जाइए, आज हो जाइए एजुकेट, आज से नहीं होगी फिर, है कि नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. ग्रोइंग इचिंग कैन बी अ डिफिकल्ट थिंग टू डिस्कस विद अदर्स एंड इट इज डिफिकल्ट to you also difficulty. So अब इसके बारे में कई बार लोग अननेसेसरी चीज़ें सोचने लगते हैं, क्या यार ये मेरे को कोई अजीबो गरीब बीमारी तो नहीं होगी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं होगी, मैंने कौन से पाप कर दिए हैं. बट देन लेट्स टॉक अबाउट कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं, 8 ऐसे रीज़न विच कैन कॉज ग्रॉइन यानी कि प्राइवेट पार्ट इचिंग. द नंबर वन मोस्ट कॉमन रीज़न STD नहीं है. STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसा कुछ नहीं है. मेन नंबर वन रीज़न इज जॉक इच. जॉक इच बोले तो सबसे कॉमन, सबसे ट्रीटेबल, सबसे आसान बीमारी है. जो बोले सर कहाँ आसान है, दो साल से परेशान हूँ, दो महीने से परेशान, फंगल इन्फेक्शन. जी हाँ, मुझे पता है कई लोगों की ठीक नहीं होती क्योंकि उनको बेसिक नहीं पता है. ये बहुत 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 कॉमन है एथलीट्स में, बहुत कॉमन है ऐसे लोग जो पसीना बहाते हैं, मेहनत मुशक्कत करते हैं, बिकॉज फंगस लिव्स ऑन पसीना. पसीना यानी कि जहाँ पे वॉइस्ट है, मॉइस्ट और वार्म, गर्म और मॉइस्ट रीजन है, गर्माहट है, वहाँ आएगा फंगस और एक बार निकाल भी दिया फिर वापस आएगा. सो इसलिए आप जब तक अपने इस चीज़ को हैंडल नहीं करते, गर्मी हटाते नहीं वहाँ से, जब तक वहाँ से पसीना नहीं पसीना आने से नहीं रोकते, तब तक वापस आता रहेगा. मतलब दैट इज़ मोस्ट कॉमन. सो ये बहुत जगह होता रहता है. सबसे कॉमन ये जॉक सीट कैसा है, लाल रंग का होगा, स्केली होगा, इनक्रेडिबली इचिंग होगा, और ये और भी जगह पे इनर थाइस पे भी हो सकता है, बट्स पे भी हो सकता है, क्रीज बट्स के दोनों क्रीज के बीच में भी हो सकता है, और जेनाइटल एरिया के ऊपर भी हो सकता है. सो दैट इज़ देयर. तो करें क्या, उसको करने के लिए भाई साहब उसको ड्राई रखो और एक आप उसके ऊपर क्लोट्रिमाजोल डस्टिंग पाउडर डालते रहेंगे. इसको डालना है 6 महीने 8 महीने 1 साल लगाते रहो, कोई बात नहीं, इसको लगाने से कोई नुकसान नहीं है. मतलब दिस कैन बी टेकन फॉर अ लॉन्ग टाइम. लगाना है, पाउडर है, पाउडर लगाने की आदत डालिए, सुबह शाम दिन रात, आई मीन दिन में 2 बार, फिर गीला हो गया फिर डालिए, सुखा के डालिए फिर डालिए, और लगाइए उसमें एक डर्मेटोलॉजिस्ट से ली गई एंटी फंगल क्रीम. वैसे तो मार्केट से लेके भी ले सकते हैं, पर आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मार्केट से लेके आपका काम हुआ नहीं है, मेरे को पता है, तभी आप आगे देख रहे हो. इसीलिए डर्मेटोलॉजिस्ट से अच्छी वाली क्रीम ले लीजिए, या फिर ओनाबेड बी टाइप क्रीम, ऐसी कोई क्रीम ट्राई कर लीजिए. ट्राई करके आप अपना लगा सकते हैं और उससे हो सकता है वो ठीक हो जाए. कई लोगों के केस में फिर एंटी फंगल मेडिकेशन लेनी पड़ती है, उसके लिए मेरा फंगल इन्फेक्शन वाला वीडियो अलग से है, वो देख सकते हैं आप. पहला रीजन जॉक इच. सेकेंड रीजन यीस्ट इन्फेक्शन. यीस्ट इज ये फंगस का भाई है, फंगस का भाई यीस्ट. ये बहुत कॉमन होता है लेडीज़ में होती है वेजाइनल इच होती है प्राइवेट पार्ट में. 75% फीमेल को ये होगी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी समय उनकी लाइफ टाइम में 75%. तो आपको भी होगी ऐसा है. सो ये क्यों होती है, वेरी वेरी टाइट फिटिंग सिंथेटिक क्लॉथ जब आप लेते हैं, सिल्क के और ये और वो, बड़े बड़े स्मूथ वाले जिसके अंदर पसीना जमा हो जाता है. सो देर आर दिस प्लस, मान लीजिए अजीबो गरीब तरीके के परफ्यूम्ड चीज़ें वहाँ लगाई जा रही हैं, परफ्यूम्ड कुछ अजीब चीज़ें हैं, तो वो दिक्कत हो जाती है. परफ्यूम वाले साबुन से भी होने लग जाती है, राइट. सो डोंट डू दैट. परफ्यूम वाली चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी. पता नहीं क्या हो रहा है पीछे फोन गाड़ी वाले को. सो यीस्ट इन्फेक्शन है तो वन ऑफ द कॉमन यीस्ट इज कैंडिडियासिस. दिस इज, उसमें क्या होगा, एक वेजाइनल डिस्चार्ज आएगा, मोटा मोटा थिक थिक और बर्निंग और इचिंग होगी, दैट इज देयर. तो भैया उसके लिए आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, उसके लिए यीस्ट इन्फेक्शन के लिए वहाँ से अंदर डालने वाली गोलियाँ दी जाती हैं. अंदर डालते हैं नीचे से, वेजाइना से ऊपर, उसमें गोलियाँ डाली जाती हैं, वो एंटीफंगल होती है और उससे ठीक हो जाता है, ठीक है. थर्ड रीजन इज एलर्जी. ठीक है,
एलर्जिक रिएक्शन यानी इरिटेशन वेरी कॉमन, वेरी ट्रीटेबल, वुमेन, बच्चे, चाइल्ड सब में होने लग जाता है। कई बार हाइजीन स्प्रे के वजह से, सेंटेड पैंटीज के वजह से, पैंटी लाइनर के वजह से, अजीबोगरीब परफ्यूम्स, सोप्स के वजह से, वाइप्स के वजह से, अंडरवेयर के वजह से, पसीने के वजह से एलर्जीज हो सकती हैं। एलर्जी को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एंटी एलर्जिक क्रीम लगा सकते हैं, स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम लगा सकते हैं, एलर्जी की गोली खा सकते हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। द थर्ड के बाद फोर्थ कारण है, बहुत जोरदार कारण है, दैट इज सोरियासिस। या सोरियासिस, सोरियासिस मतलब के स्किन के ऊपर, स्किन के ऊपर, स्किन के ऊपर, स्किन के ऊपर स्किन मोटी होती जा रही है, स्केली होती जा रही है, सिल्वरी होती जा रही है, चिकनी चिकनी, सफ़ेद रंग की, चिकनी तो नहीं बोलेंगे, सफ़ेद रंग की स्किन आने लग जाती है उसको। वो चीज़ फिर पेनिस पे, स्क्रोटम पे, वल्वा, एनस, ऐसे जगहों पे, बटक्स पे भी आ सकती है, अपर थाइस पे भी आ सकती है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ सम ऑटो इम्यून डिजीज, किसी ना किसी से वहाँ इचिंग हो रही है, एलर्जी हो रही है, इसी वजह से हो रहा है। इसका ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जेनाइटल एरिया आपका बहुत सेंसिटिव है, जेनाइटल एरिया को बहुत प्यार से छोटे बच्चे के जैसा रखना पड़ेगा और डर्मेटोलॉजिस्ट से सोरियासिस का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। सोरियासिस का ट्रीटमेंट टोटली अलग है, उसके लिए सोरियासिस वाला वीडियो देखिए, सोरियासिस बाय डॉक्टर एजुकेशन, डॉक्टर एजुकेशन राइट यूट्यूब पे। पांचवा रीजन जो है वो है लाइकन प्लैनिस। लाइकन प्लैनिस एक तरीके का रैश होता है और ये आप इची बम्प्स होते हैं छोटे छोटे स्किन के ऊपर, जब ये आ जाते हैं जेनिटल एरिया में तो लाल रॉ पैच हो सकते हैं, बर्निंग इचिंग हो सकती है, इसको वजाइना, वल्वा, पेनिस, एनस दोनों चारों जगह पे पकड़ा जा सकता है। डॉक्टर बताता है कि भैया ये तो लाइकन प्लैनिस है। लाइकन प्लैनिस के लिए आपको डायग्नोसिस थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट ही बताएगा कि ये लाइकन प्लैनिस है या नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके कंफर्म करें, दवा भी लाइकन प्लैनिस के लिए वही देंगे। लाइकन स्क्लेरोसिस नाम की भी एक चीज़ होती है, छठा रीजन है लाइकन स्क्लेरोसिस, जिसमें थोड़े मोटे मोटे पैच होने लग जाते हैं फीमेल जेनाइटल्स में, एनस में, पीनस में, ऐसी चीज़ें हो सकती है, उसको फिर स्क्लेरोसिस बोलते हैं। प्लैनिस फिर प्लैनिस मतलब प्लेन, स्क्लेरोसिस थोड़ा सा मोटा, दैट इज द सेकंड थिंग। उसके लिए भी बहुत जरूरी है एक्यूरेट डायग्नोसिस, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, दोनों बताएंगे ज़्यादा अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, इस टाइप के कंडीशन में। सातवां रीजन है एक कीड़ा, कीड़ा यानी कि वर्म, वर्म यानी कि पिन वर्म। पिन वर्म एक इंटेंस इचिंग कॉज करता है एनस में, स्पेशली नाइट में। पिन वर्म एक पैरासाइट है, इसको क्या है भैया, ये इंटेस्टाइन में आपके घुस जाता है, पेट में घुस जाता है और उसके बाद में जब इसका फीमेल पिन वर्म जब रेडी होता है अंडे देने के लिए तो ये क्या करता है आपके एनस के पास चला जाता है रेक्टम पे। फीमेल पिनवर्म जो है रेक्टम में देने लग जाता है अंडे जब आप सो रहे होते तब देता है। हाँ जी, बहुत खतरनाक है, जब आप सो रहे होते तब, तो जब वो एनस, जब वो रेक्टम में होता है पिनवर्म तो वो एनस में इचिंग होती है बहुत जोरदार और ये सिवियर हो सकती है, जब वो सो रहे हो तब बहुत ज़्यादा सिवियर, इतना सिवियर हो सकता है कि भैया आपके उनके जो अंडे है वो आपके हाथों में आ जाए या आपके नेल्स में आ जाए, बहुत जोरदार हो सकता है। तो ये पिनवर्म जो है सब जगह फैल सकते हैं, इसलिए हाथ धोना बहुत जरूरी है, ये सब जरूरी है। और ये वर्म जो है ऐसा एक गोली खाते हैं अगर हम एंटी पैरासिटिक तो उससे निकल जाते हैं, मर जाते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके लिए पैरासाइट वाली गोली जो है, डीवर्मिंग वाली गोली अपने डॉक्टर से ले सकते हैं। और आठवां और खतरनाक रीजन जो है वो डेंजरस है, वो है आपका कैंसर। जी हाँ, स्किन कैंसर, वेरी वेरी रेयर है बट पॉसिबल है। स्किन कैंसर पेनिस पे भी हो सकता है, स्क्रोटम पे भी, अंडकोशों के कवर पे भी, एनस पे भी, वल्वा पे भी, यानी वजाइना के बाहरी पार्ट में कहीं भी हो सकता है। और स्किन कैचर कैंसर में जो सिग्निफिकेंट चीज़ है कि इचिंग जो है, आपकी खुजली जो है जाएगी ही नहीं। फंगल इन्फेक्शन में क्या, दवाई लगाई ठीक हो गया फिर वापस आ गया, नहीं, इसमें जाएगी ही नहीं, विल नॉट गो अवे। इसके अलावा वहाँ एक लंप होगा या ब्लीडिंग होगी या डिस्चार्ज होगा, लंप यानी गांठ होगी, ऐसा कुछ होता है तो उसकी जांच करनी पड़ेगी। जांच करके लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट तब होता है जब तुरंत डायग्नोसिस हो जाए। तो सवाल आम पैदा होता है कि भाई आपको क्या है, आपको क्या कैंसर है? लगता नहीं मुझे। क्या आपको पिनवर्म हुआ है? मुझे वो भी नहीं लगता। आपका कारण ज़्यादातर हो सकता है फंगल, वेजाइनोसिस, यीस्ट इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, या बहुत रेयर हो गया तो लाइकन प्लैनिस, लाइकन स्क्लेरोसिस और सोरियासिस। तो इसके लिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चक्कर मार के आएँ, डायग्नोसिस कंफर्म करें, तब ही ट्रीटमेंट होगा। एंटीफंगल क्रीम और जो कैंडी डस्टिंग पाउडर ट्राई करना है तो वो खुले दिल से ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो को भी
खुले दिल से शेयर कर सकते हैं ताकि भी लोगों का जो है भला हो सके। बहुत लोग परेशान हैं, आपको भरोसा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, पर हर डॉक्टर जानता है कितने लोग आते हैं फंगल इन्फेक्शन, नहीं जा रहा। तो बहुत ही लोग परेशान हैं, इसको शेयर करें, दुआ मिलेगी लोगों की जो देखेगा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, बाय बाय।